हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि 376 के आरोप अगर आपके ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि रेप के एलिगेशन या बलात्कार के एलिगेशन आपके ऊपर लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जमानत कितने दिनों में मिलने वाली है, लोअर कोर्ट में कितना समय लगेगा, हाई कोर्ट में कितना समय लगेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद कोर्ट में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट कॉल ना करें, उसके लिए फ़ीस अप्लीकेबल है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे रेप का एलिगेशन जो लगता है वो बहुत बड़ा आरोप होता है, इसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, कभी कभी उम्र कैद की भी सज़ा हो जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़े एलिगेशन है इसमें, जिसने सच में कर रखा हुआ उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, वो कहता चलो कुछ दिन जेल में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने नहीं किया हुआ है उसके ऊपर जब फर्जी आरोप लगे हैं, वो कहता है मेरे ऊपर तो झूठा मुकदमा लिखाया गया, फर्जी आरोप लगाए गए हैं तो मेरी जमानत तो होनी ही होनी चाहिए, वो पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आखिरकार बेल कितने दिनों में होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर 376 के आरोप लगा दिए गए हैं, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, अब पुलिस ने गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दिया है, फिर क्या होता है कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले क्या होता है, तुरंत तुरंत वकील साहब पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि भैया की बेल दाखिल कर दो। अब बेल वकील साहब ने मान लो 2-3 दिनों में आपकी दाखिल कर दी, तो बेल आपकी वहीं पर खारिज हो जाएगी, लोअर कोर्ट में ही। क्यों खारिज हो जाएगी? क्योंकि देखिए, बेल जो होती है कम्प्लीटली मर्सी पर होती है, जज साहब की दया दृष्टि पर होती है। अब आप अभी आपके ऊपर FIR हुई, थाने से रिपोर्ट मंगाई गई, पता चल रहा कि ये रेप का आरोपी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बलात्कारी है, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया, तो जज साहब कहेंगे अभी तो 2 दिन यार तुमको जेल गए हुआ है, तुमको हम जमानत कैसे दे दें? क्योंकि जब आप लोअर कोर्ट में 2-3 दिनों के अंदर ही जमानत अप्लाई कर देंगे, अभी आपकी चार्जशीट दाखिल हुई नहीं है, मैटर की विवेचना हुई नहीं है, और आप जो है तुरंत तुरंत जमानत चाह रहे हो, तो एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड में ही आपकी जमानत खारिज हो जाएगी। यानी लोअर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, मामले के पूरे तथ्य सामने आ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है और महिलाओं के अगेंस्ट है, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपकी चार्जशीट जब तक नहीं आ जाती है, आपको लगभग जमानत नहीं मिलती है, और 2-3 दिनों में ही अगर आप जमानत डाल देंगे तो पक्का नहीं मिलेगी। हाँ, कोशिश करिए 1.5 महीने 2 महीने जेल में रहने के बाद ही आप जमानत के लिए अप्लाई करिए। जब आपकी चार्जशीट दाखिल हो जाए तो आपके सारे के सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे कोर्ट में, वकील साहब चार्जशीट के बेसिस पर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी होगी, जो महिला का स्टेटमेंट होगा, उन सब के बेसिस पर आपके आर्ग्यूमेंट करके बेल करा लेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए लोअर कोर्ट में कम से कम 2-2.5 महीना आपको लगने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है तुरंत जमानत डलवाने लगते हैं, तो फिर जमानत खारिज हो गई लोअर कोर्ट से, तो आपको भागना पड़ता है हाई कोर्ट में। जमानत के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, दाखिल किया आपने 10 दिन लग गया, डेट आने में तो 20 दिन आपके यही निकल गए, 2-2.5 महीने नीचे निकल गए, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट पूछेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ, कोर्ट में हम लोग जाते हैं जमानत की एप्लीकेशन लेके, कोर्ट पूछती मिस्टर काउंसिल कितने दिनों से जेल में है, हम लोग बताते हैं 2 महीना 3 महीने से, तो जज साहब कहते हैं कुछ दिन और रह दो, तो लो हाई कोर्ट में लगभग ये देखते हैं कि 6 महीना तो आप बिता के ही आओ तभी आपको जमानत मिलने वाली है। इतनी ईजी नहीं होती 376 की बेल जो होती, जो हम लोग सोचते हैं कि जनरली हमें एक झटके में एक बार में बेल जाने वाली है। तो अपनी इनिशियल स्टेज पे कोशिश करिए, थोड़ा टाइम लेके जो है आप लोअर कोर्ट में बेल डालिए, लेकिन लोअर कोर्ट से ही अपनी बेल करा लीजिए। अगर लोअर कोर्ट में आपने खारिज करा ली, हाई कोर्ट आते हो तो हाई कोर्ट और टाइम टेकिंग है, लोअर कोर्ट से ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। हालांकि हाई कोर्ट में बेल हो जाती है, ऐसा भी है, लोअर कोर्ट से जो नहीं होता वो हाई कोर्ट से हो जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश करो इनिशियली वहीं पर वेट कर लो, अगर बंद हो और अगर खारिज हो गई तो हाई कोर्ट आना ही आना है, नहीं तो फिर आप वहीं लोअर कोर्ट में वेट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। टाइम लेने के बाद आप जो है अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कीजिए, जब चार्जशीट वगैरह दाखिल हो जाए, सारे एविडेंसेस, सारे रिकॉर्ड, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स केस के आपकी ऑन रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद उसमें बेहतरीन बहस करके आप बेल एप्लीकेशन करवा लीजिए। क्योंकि जब एक बार बेल खारिज, तो फिर सेकंड बेल एप्लीकेशन आप तभी डाल पाओगे जब नए ग्राउंड क्रिएट होंगे, और नए ग्राउंड उस केस में कहाँ से क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए बेल डालने से पहले 10 बार सोचिए। तो मोटा मोटा आप लोगों को पता चल गया कि कितना टाइम लगने वाला है। मेरा अनुमानित समय जो है ना, इसमें 3 से 6 महीने के बीच में, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और यह खारिज भी हो सकती है, वो केस के फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है,
ठीक है, उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आपको पता चल गया कि 376 की बेल इतनी ईजी भी नहीं है और कितना टाइम लगने वाला है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के पेज से जुड़िए। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए तो वहाँ फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू।